ठीक है, वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, मैं स्टाइल ने मारा, मेरे को भी आई फ्लू हो गया, तो इसलिए मैंने चश्मा लगा के रखा है। वैसे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मेरे जितने भी सारे फिश पॉन्ड है सब आपको दिखाऊंगा, और साथ में तुम लोगों को मैं आइडिया दूंगा कि कितने रुपये मतलब मेरे को लगे हैं फिश पॉन्ड बनाने में, और तुम लोग किस तरीके से बना सकते हो अपने बैक यार्ड टेरेस में। तो एक मतलब तुम लोग को आइडिया मिल जाएगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा टेरेस स्टार्ट होता है इस जगह से, और जैसे आप यहाँ एंटर करते हो तो तुम लोगों को तुरंत दिखेगा सबसे पहले हमारा कोई कार फिश पॉन्ड, जिसको मैंने एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स में बनाया है। बेसिकली बता दूँ क्या है, जो फ्रिज होता है, फ्रिज जब फ्रिज ख़राब हो जाता है तो उसको काटा जाता है, मतलब जो भी इसका प्लास्टिक होता है उसे निकाल दिया जाता है, तब जाके ये बॉडी मिलती है अंदर से, थर्माकोल होता है। और इसमें देखो अंदर से भी प्लास्टिक लगा हुआ है, निकाला नहीं गया, ये अंदर प्लास्टिक है एंड ये मेटल है। तो मुझे इसका कॉस्ट पड़ा था 150 रुपये बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। अगर ये प्लास्टिक नहीं होता, निकाल दिया जाता, सिर्फ थर्माकोल बचता, तब मुझे ये 20-30 रुपये में मिल जाता या फिर फ्री में भी मिल जाता। तो अगर तुम लोग जाओगे कभी लेने तो इसे तुम लोग कबाड़े के शॉप से ला सकते हो, या फिर जहाँ पर फ्रिज मिलते हैं, जहाँ फ्रिज रिपेयर किया जाता है वहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर प्लास्टिक के साथ मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाला है, लेकिन फिर प्राइस भी यही 100-150 ऐसे पड़ेगा अगर कबाड़े के पास जाते हो। बाकी जहाँ तुम जहाँ फ्रिज रिपेयर होता है वहाँ उनका मुझे नहीं पता रेट, लेकिन इतना ही तक पड़ेगा अगर प्लास्टिक के साथ लेते हो। और सिर्फ थर्माकोल लेते हो तो फिर थोड़ा सा मतलब ये हो जाता ना कि कमज़ोर हो जाता है, इतना मजबूत नहीं रहता, लेकिन चल जाएगा 2-3 साल तो चल जाएगा आराम से। अगर तुम सीमेंट लगा देते हो तो और साल चलेगा, लेकिन वो फिर खर्चा बढ़ा देगा। बाकी अगर प्लास्टिक लगा रहते तो अच्छा चल जाएगा, लेकिन ये तो थोड़ा को थोड़ा सा MCL लगा के लीक जहाँ से भी लीक कर रहा होगा वहाँ को पूरा सील करना होगा ताकि पानी ना गिरे। एंड ये है हमारा DIY फिल्टर। बेसिकली इसका काम ये है कि ये नीचे से गंदगी उठाता है पूरा पंप, और इसमें पानी डाल देता है। ये देखो पानी आ रहा है, तो इसमें पानी हमारा फिल्टर्ड होकर यहाँ से गिरता है। और मैंने इसको घर पे बनाया, वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पर, काफ़ी सस्ते में बनाया, तो ऐसा कुछ ज़रूर से बना देना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम ऐसा बॉक्स बनाओ, तुम इसके जगह एक बकेट भी रख सकते हो, बस बकेट के अंदर पानी गिरना चाहिए, नीचे एक पाइप लगा दें जहाँ से नीचे गिरे पानी। और ये साथ में ऑक्सीजन का भी काम कर देता है, क्योंकि देखो पानी गिर रहा है, नीचे बबल्स बन रहे, तो ये ऑक्सीजन भी बना रहा है। एंड अभी मैंने कोई कार्स रखे, अभी अभी हमारी और भी कोई कार्स आने वाली हैं। तो ये हो गया हमारा 150 रुपये का। इस फिल्टर को मैंने बनाया था लगभग वही 220 रुपये ऐसे कुछ लगे थे समथिंग। तो ऐसा हमारा पूरा सेटअप बन गया। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की तरफ। तो बाकी मैंने इस तरफ इतने सारे अपने सेटअप रखे हुए हैं, देख सकते हो ये सारे हमारे फिश पॉन्ड हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इसी फिश पॉन्ड से। ये हमारा टब में सेटअप बना हुआ, इसमें गप्पी फिश है, नेचुरली ब्रीड कर रही है साथ में, मतलब इसमें गप्पी फिश के फ्राइज, मौली फिश के भी थोड़े बहुत फ्राइज हैं। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ने सेटअप बना के रखा हुआ है। एंड इसको बनाने के लिए भाई मेरे को कॉस्ट पड़ा सिर्फ 100 रुपये, यानी कि सिर्फ टब का मुझे प्राइस देना पड़ा। बाकी मेरे पास फिशेस प्लांट सब कोई अवेलेबल थे, फिश ये जितने भी प्लांट दिख रहे हैं तुम लोगों को ये सब वाइल्ड प्लांट्स है, मतलब जो रिवर पॉन्ड्स में उगते हो वही वाले सब हमें लेके आया, और पूरा अच्छे से लगा के एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट इन लोगों के लिए बना दिया है। तो इसमें और आराम से ब्रीड भी करें। एंड अगर तुम लोग ब्रीड कराना चाहते हो तो ऐसा सेटअप जरूर से रखना, अगर ऐसा सेटअप लगा के तुम लोग फिश छोड़ भी दोगे एंड तो फिर तुम लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ फिश फूड डालना है बस, ये खुद अपना ब्रीडिंग प्रोसेस कर देंगे। एंड थोड़े दिन में थोड़े बहुत मतलब थोड़े बच्चे देखने को मिल जाएंगे फ्राइज इधर उधर घूमते हुए, एंड प्लांट्स की वजह से लोग बच भी जाते हैं जो फिश के फ्राइज होते हैं। तो इस पॉन्ड को बनाने के लिए मुझे सिर्फ 100 रुपये पड़े हैं इस टब का, मतलब ये टब 100 रुपये का था। तो कुछ ऐसा भी तुम लोग सेटअप बना सकते हो अपने बालकनी या फिर टेरेस पे, कहीं भी बनाना चाहो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रम, ये देख सकते हो ड्रम में मैंने लोटस लगा कर रखा है, साथ में मैंने इसमें मौली फिशेस रखे हुए, ये देखो। तो ये लोटस का प्लांट है एंड इसमें ना ही कोई फिल्टर लगा हुआ है ना ही एयर पंप, तब भी इसमें आराम से मौली फिशेस रह रही हैं। ये देखो मौली फिश हैं, इसमें बलून मौली हैं, ब्लैक मौलीज हैं, एक फीमेल बैठा है और साथ में शॉर्ट टेल है एक पेयर। तो काफ़ी अच्छे से इसमें रह रहे हैं और बहुत जल्द इसमें ब्रीड कर जाएंगे। एंड थोड़ा बहुत मैंने गप्पी ग्रास लगा के रखा है, ये देखो थोड़ा सा लगा के रखा था, काफ़ी दफ़ फैल गया है। तो ये काफ़ी दर नेचुरल है, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट मैंने दे रखा है इसमें। बाकी मेरे जितने भी फिश पॉन्ड हैं इधर वाले, तो किसी में भी ना ही एयर पंप लगा हुआ है ना ही फिल्टर लगा हुआ है, आराम से नेचुरली फिशेस रह रही हैं। तो ये देखो हमारी बलून मौली ऑरेंज कलर की, एंड काफ़ी सारे इसमें मौली फिशेस भी हैं। तो ऐसा कुछ सेटअप भी बना सकते हो ड्रम में। एंड ये ड्रम अगर तुम लोगों को बात बताऊँ तो ये ड्रम मेरे पास बहुत पहले से था, मैंने खरीदा नहीं, जब हमारा घर बना था तब ये ड्रम आया हुआ है। और अगर तुम लोग ऐसे ड्रम में सेटअप करना चाहते हो तो इसका ड्रम अगर ड्रम खरीदना चाहते हो तो ड्रम तुम लोग को पड़ जाएगा वही अराउंड 800 को, तुम लोग को ड्रम मिल जाएगा 800 रुपये में। एंड ड्रम का बहुत टाइप के मिलते हैं, एक होता है पूरा बंद रहता है, जैसे कि देख सकते हो तुम लोग यहाँ कटा दिख रहा है, एक होता है पूरा बंद रहता है। तो तुम लोग उसको हाफ कट करते हो यहाँ से तो तुम लोग एक ड्रम में दो फिश पॉन्ड बना सकते हो, एंड मैं इसको कट कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इसको कट कर दो, तो मैं इसे कट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज अभी देख सकते हो ये मेरा टेरेस है, ठीक है। अभी ये जो तुम लोग देख रहे हो ये हमारा भी एक और फ्लोर बनेगा जब घर, तब ड्रम की ज़रूरत पड़ेगी पानी उनी डालने के लिए, जो होता है ना घर बनता है तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है।
इसलिए भी इसको कट नहीं कर, जब बन जाएगा भाई तब इसको मैं कट कर सकता हूँ, लेकिन कट करने की जरूरत नहीं भाई, हमारा फिश पॉन्ड छोटा हो जाएगा ऐसे ही ठीक है। इसमें क्या है, दिक्कत नहीं होती कि हमारी फिश जंप नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। ओके अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट पॉन्ड की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट फिश पॉन्ड जिसको मैंने थर्माकोल में बना के रखा है। थर्माकोल, ये थर्माकोल मतलब वही वाला थर्माकोल है जिसमें जो खाने वाली फिशेस होती हैं वो इम्पोर्ट होके आती हैं। तो पूरा मैंने नेचुरल बना रखा है, सब वाइल्ड फिशेस हैं इसमें, जितनी वाइल्ड जेब्रा डेनियोस, वाइल्ड स्पॉटेड बार, तो वही रखे हुए हैं मैंने इसमें। एंड ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट है, सब प्लांट्स भी वाइल्ड वाले हैं, देख सकते हो। ये सब मैं रिवर से लेके आया था, एंड ये कॉइन प्लांट है, मैंने तो नर्सरी से लेके आया था, तो नीचे लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा चल रहा है इसमें, काफ़ी सारी फिशेस दिख नहीं रहूँगी, हाइड करके रखी हुई हैं, इसे हाइड करती रहती है, फिशेस ज़्यादा निकलती नहीं, जब मैं फूड डालता हूँ तब आती हैं। और काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। तो इसको बनाने के लिए तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, देखो थर्माकोल हमेशा मतलब लीक तो करता ही रहता है, हर बार लीक करता। तो मैंने थर्माकोल लिया, उसके ऊपर से मैंने ये पॉलीथीन सीट लगा कर रखा। अगर पॉलीथीन सीट नहीं लगाना चाहते तो सीमेंट भी लगा सकते हो। तो ऐसा तुम लोग को थर्माकोल मिलेगा जहाँ पर फिश मार्केट होता है, जहाँ खाने वाली मछलियाँ मिलती हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। एंड वो 50-60 रुपये में तुम्हें दे देंगे, 50-60 रुपये में। उसके बाद फिर तुमको घर ला के मतलब सीमेंट लगाना है थर्माकोल में, और सीमेंट तुम्हें 10 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब तुम्हें 2 किलो में हो जाएगा, तो 20 रुपये में मतलब तुम्हारा सीमेंट भी हो जाएगा, तो 50 का मतलब बॉक्स हो गया, 20 का 70 रुपये में तुम्हारा एक फिश पॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग को ये आइडिया मिल गया होगा, अगर कुछ ऐसा बनाना चाहो छोटा सेटअप, तो मतलब छोटा नहीं भाई, इसमें भी तुम आराम से गप्पी मौली फिश इतनी आराम से ब्रीड करा सकते हो। ओके सो अब चलते हैं थोड़ा हमारे सबसे बड़े, मतलब बड़े नहीं, पहले ये हमारा बड़ा था फिश पॉन्ड, लेकिन अभी वो वाला फिश पॉन्ड बड़ा हो चुका है। तो ये हमारा एक और रेफ्रिजरेटर टैंक, एंड अभी तुम लोगों को डिफरेंस पता चल रहा होगा, ये मेरे को सिर्फ 20 रुपये में पड़ा, क्योंकि इसके अंदर देखो कोई भी प्लास्टिक नहीं है, ये नॉर्मल थर्माकोल है, इसके अंदर का प्लास्टिक निकाल लिया गया है, तो ये इतना मजबूत तो है नहीं, मतलब उसके मुकाबले वो तो काफ़ी साल चल सकता है, 10 साल आराम से चल जाएगा, एंड ये इतना नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से एक लेयरिंग मतलब सीमेंट की लगा दूँ तो ये चल सकता है। तो इसमें मैंने रखे हुए हैं मौली फिश और गप्पी, सॉरी गप्पी फिश नहीं, मौली फिश एंड प्लेटी फिशेस हैं, तो देख सकते हो ये फ्राइज हैं, अभी ये थोड़े बहुत एडल्ट हो चुके हैं, कुछ इसमें ब्रीड भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ हो रहा है ऐसे फिश पॉन्ड में। और अगर ब्रीड कराना चाहते हो तो ऐसा सब टैंक सबसे बेस्ट होता है एक्वेरियम के मतलब मुकाबले में। एक्वेरियम में तुम्हारी इतनी अच्छी फिशेस ब्रीड नहीं कर पाएंगे, अगर तुम लेके आते हो ब्रीडिंग के पर्पज़ से, तो कुछ ऐसा बनाओ सेटअप, या फिर जैसे मैंने ये बना रखा है, या टब बना रखा है, ये ऐसा सेटअप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा ब्रीड होगा तुम्हारे एक्वेरियम से, ज़्यादा अच्छा ब्रीड इसमें होगा। एंड ये सब प्लांट वाइल्ड वाले भी हैं, बाकी ये देख सकते हो ये कॉइन प्लांट, ये सब मैं नर्सरी से लेके आया था। तो मुझे ये पड़ा था 20 रुपये का थर्माकोल, मतलब ये फ्रिज बॉक्स 20 रुपीज़ का, ये भी मैं कबाड़ की शॉप से लेके आया था, जहाँ कबाड़ वगैरह होता है वहाँ से। तो ये 20 रुपये में पूरा फिश पॉन्ड बन के हमारा तैयार हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे इस फिश पॉन्ड का। तो इसमें मैंने गप्पी फिशेस रखे हुए हैं, देख सकते हो इसमें गप्पी फिशेस हैं, एंड हॉर्नबर्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। तो ये फिश पॉन्ड भी थर्माकोल में ही बना हुआ है, थर्माकोल बॉक्स जैसे ये है उसी टाइप का ये भी है। एंड मतलब भाई सेम प्राइस 40-50 रुपये में मिलेगा, ये भी सेम प्राइस रहता है। एंड मैं तो लोगों को बता दूं कि ये दोनों थर्माकोल का, मतलब ये वाला थर्माकोल एंड ये थर्माकोल का, मेरे को 1 भी रुपये नहीं देना पड़ा, बिकॉज़ ये मैं कहीं से लेके नहीं आया हूँ, मेरे घर के बगल से मतलब एक हैं अंकल, वो उनसे मैंने ले लिया था। तो ये फिश वाला थर्माकोल नहीं है, ये जिसमें दवाई इम्पोर्ट होकर आती है, दवाई भी ऐसे बॉक्स में इम्पोर्ट होकर आती हैं, तो उसी में था मिल गया था। लेकिन अगर तुम लोग जाते हो फिश मार्केट तो वहाँ पर मिल जाएगा 40-50 रुपये में। तो उसमें फिर मैंने इसके अंदर देखो क्या लगा कर रखा है, सीमेंट देख सकते हो, मैंने सीमेंट से अच्छे से पूरा जाम कर दिया, तो ये अब लीक नहीं करता था, पहले पहले लाया था तो लीक कर रहा था, तो मैंने इसे डबल ट्रिपल लेयर सीमेंट का लगा के रखा है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड ये गप्पी फिश ब्रीड कराने के लिए काफ़ी अच्छा है, मैं इसमें से गप्पी फिश के काफ़ी सारे फ्राइज उठा चुका हूँ, मतलब मैं इसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, लिटरली सिर्फ आता हूँ फूड डाल के चला जाता हूँ, हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में 30% वाटर चेंज कर देता हूँ। एंड जो प्लांट के तुम लोग ग्रोथ देख रहे हो, इसी प्लांट के अंदर बच्चे इतने सारे छुपे होते हैं, तो मैं आके एक एक करके उठा लेता हूँ, तो कुल मिला के सब इसमें नेचुरली ब्रीड हो रहा है। तो इसको भी बनाने में तुम लोग को वही 70 रुपये ही लगेंगे ऐसा कुछ सेटअप करने में। तो आई होप तुम लोग को आइडिया मिल गया होगा, ये हो गया 70 रुपीज़ का फिश पॉन्ड, ये हो गया 20 रुपीज़ का, ये भी 70 रुपीज़, ये 800 अगर तुम लोग ड्रम में बनाते हो, तो ये 100 रुपीज़, एंड ये तुम लोग को 150 रुपये में। तो मैंने ऐसा कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, और अभी इन फ्यूचर मेरा प्लान काफ़ी बड़े बड़े मतलब और फिश पॉन्ड्स में लाने वाला बनाऊंगा, जैसे कि मैं ऐसा ही जैसे ये टब दिख रहा है 100 रुपीज़ वाला, ये टब मैं 2-3 और लेके आऊँगा, जैसे कि अगर हम लोग गप्पी फिश ले आते हैं और भी किसी वैरायटी की। एंड अभी मेरे इस जगह पे जगह खाली है, और मेरे पास अभी पॉलीथीन सीट भी है, देख सकते हो ब्लैक वाला पॉलीथीन सीट, तो मैं इससे एक और बड़ा सा ब्रिक जोड़ के जैसे मैंने पहले बनाया था वैसा फिश पॉन्ड बना सकता हूँ फॉर ब्रीडिंग पर्पज़।
एंड इधर भी देख सकते हो पूरा जगह ही खाली है अभी, तो मैं इधर भी ला सकता हूँ एंड एक एक फिश पॉन्ड मैं इधर नीचे भी लगा दूंगा, तो हमारा अभी बहुत सारा फिश पॉन्ड बन सकता है और फ्यूचर में बनाऊंगा भी। और एक मैं थर्माकोल वाला फिश पॉन्ड बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, मतलब थोड़ा बहुत मैं उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसा बने। थोड़ा सा मैं तुम लोग को इसी वीडियो में आइडिया दे देता हूँ, जैसे ये थर्माकोल है कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन मैं उसे घर पर पूरा तैयार करूँगा। जो स्टेशनरी पे थर्माकोल मिलता है उसको लाऊंगा और उससे सीमेंटेड टैंक बनाऊंगा। थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया मिल गया होगा, रेक्टोंगुलर शेप में बनेगा, तो उसके लिए तैयार रहना वीडियो देखने के लिए। एंड गैस बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ करीब शॉप, अभी एक दो दिन में जाऊँगा करीब शॉप शॉपिंग करने, तो वहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो वो सब वहाँ का भी ब्लॉग डालूंगा, स्टे ट्यून्ड उस ब्लॉग को देखने के लिए। मतलब कुछ मैंने फिर से सेलेक्ट करके रखी हुई है हमारे सिकलेट फिश टैंक के लिए, एंड हो सकता है एक दो ऑस्कर फिर से ले आएगा, सही रेट में मिल गया हम लोग को वही छोटा वाला ऑस्कर, तो ले आएंगे। एंड जो हमारी जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव सिकलेट थी उसको हम लोग अलग कर देंगे, निकाल देंगे, या फिर हो सकता है मैं उसको रिप्लेस कर दूँ, वो जो होगा तो देखा जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तुम लोग तैयार रहना, बाकी हम लोग को फिश फूड लेना है एंड कुछ और चीज़ें लेनी, तो सब तुम लोग ना वो ब्लॉग जरूर देखना पूरा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ब्लॉग बनाऊंगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल पर बहुत कुछ नया नया आने वाला है, नहीं आ पा रहा बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ लेकिन नहीं आ पा रहा, पर आने ही वाला है, तब धीरे धीरे करके आता है यार, एकदम से कुछ चीज़ें नहीं आती। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, जरूर से फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।